नंबर एक। गाइस, आज जो पाकिस्तान नफरत की आग में भारत से कोई भी मदद लेने से इनकार कर देता है, उसी पाकिस्तान के लिए भारत ने एक समय पाकिस्तानी नोट छापे थे। यहाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, ये बात है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तब पाकिस्तान के पास खुद का कोई सेंट्रल बैंक था ही नहीं, और उसकी ऐसी हालात भी नहीं थी कि वो अपना खुद का सेंट्रल बैंक बना पाए। तभी भारत का RBI पाकिस्तान के लिए पार्टीशन के 8 महीने बाद तक भी पाकिस्तानी नोट छापता रहा। RBI ने ही उनकी करेंसी बिल्ड की, पर उस नोट पर गांधी जी की नहीं बल्कि किंग जॉर्ज की फोटो हुआ करती थी। भारत उस वक्त पाकिस्तान का लोन और असेट दोनों मैनेज कर रहा था, लेकिन फिर 1948 में पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया और उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन आज पाकिस्तान की कंगाली के पीछे भी उसी का हाथ है। नंबर दो। गाइस, जैसा कि सबको पता है कि नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। एक नींबू की कीमत 15 रुपए हो चुकी है और 1 किलो नींबू 300 रुपए से ऊपर जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक नींबू इतने महंगे कैसे हो गए। दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, गुजरात, जहां सबसे ज्यादा नींबू का प्रोडक्शन होता है, वहां पर साइक्लोन की वजह से प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया है और देश में नींबू की कमी आ गई है। दूसरा, पिछले साल मॉनसून काफी अच्छा था और इस वजह से सितंबर अक्टूबर के महीने में हैवी रेनफॉल हो गया, जिसने नींबू की ग्रोथ को अफेक्ट कर दिया है और बड़ी मात्रा में नींबू खराब हो गया है। तीसरा, रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसकी वजह से चीजों का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो गया है और हम नींबू को इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे।